प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद, वितरित किए डिजिटल प्रमाण पत्र। बीएसएफ और राज्य पुलिस के समन्वय से कार्य करने के कारण माओवादी गतिविधियों में आई कमी, बीएसएफ के अपर महानिदेशक ने कहा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल आज अपनी स्थापना की वर्षगांठ सेल गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। और जशपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड, लोग ठंड से बचने ले रहे हैं अलाव का सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। ये पुरस्कार 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। ये क्षेत्र हैं नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति और वीरता। पुरस्कार में 1 पदक, 1,00,000 रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। समारोह में वर्ष 2021 और 22 के लिए पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162,26,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल ही 27,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 3,06,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,43,495 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस समय 22,49,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 93.07% है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कल 3,841 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले में मिले हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 14.03% है। इस समय 31,990 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करवा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से फोन पर बातचीत कर उन्हें प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए लैब खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। फिलहाल प्रदेश के सैंपल्स भुवनेश्वर स्थित लैब में भेजे जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के समन्वय से कार्य करने के कारण ही माओवाद प्रभावित इलाकों में माओवादी गतिविधियों में कमी आई है। ये बात आज सीमा सुरक्षा बल के ओडिशा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अपर महानिदेशक आरएस भट्टी ने नवा रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में कही। श्री भट्टी ने कहा कि पिछले 1 दशक से अधिक समय के दौरान सीमा सुरक्षा बल के 38 बहादुर जवानों ने माओवादी इलाकों में अपनी शहादत दी है। वहीं 1,650 माओवादियों की गिरफ्तारी की गई है। 18 माओवादी मारे गए और 891 माओवादी आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए हैं। तुलनात्मक आंकड़े देखें और ये कार्य अभी लगातार जारी है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमारे इन क्षेत्रों में अभी कार्य हो रहा है इसको हम और प्रगति से अगले वाले समय में कर सकेंगे। श्री भट्टी ने कहा कि माओवादी क्षेत्रों में लोगों को विकास से जोड़ने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने 196 मोबाइल फोन टावर्स लगाने में अपना सहयोग दिया, जिनमें से 91 फोन टावर्स कांकेर और नारायणपुर में लगे हैं, जबकि 105 टावर्स ओडिशा के मलकानगिरी और कोरापुट जिले में लगाए गए हैं। कार्यरत है और इन क्षेत्रों में लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रही है और जिसके उपरांत अब इन क्षेत्रों में बीएसएफ ने अपना प्रभाव विस्तृत रूप से स्थापित कर लिया है। आज की डेट में हमारी छत्तीसगढ़ में करीब 50 से अधिक कैंप हैं जिनके माध्यम से हम लगातार क्षेत्र में अपना प्रभाव बना के रखते हैं और नक्सलियों को उन क्षेत्रों को छोड़ने पे मजबूर
किया गया है और साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में डोमिनेशन की गई है उनमें विकास की गति में प्रगति आई है। महत्वपूर्ण जो विकास की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जैसे रावघाट माइनिंग एवं रेल परियोजना है, उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें बीएसएफ ने 12 कैंप स्थापित करके उस क्षेत्र में जो सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है और लगातार कर रही है। भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए श्री भट्टी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ ओडिशा के मलकानगिरी जिले के स्वाभिमान अंचल में बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। इसका लाभ 151 गांव में रहने वाले करीब 30,000 नागरिकों को मिलेगा। सीमा सुरक्षा बल ने कांकेर और नारायणपुर जिले में करीब 24 चिकित्सा कैंप भी लगाए हैं जिनमें लोगों ने अपना निःशुल्क उपचार कराया है। बीएसएफ द्वारा कांकेर जिले में युवाओं को कौशल विकास प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे उन्हें रोजगार में मदद मिल सके। और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। तीन महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी, क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल आज अपनी स्थापना की वर्षगांठ सेल गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र में भी 25 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मियों के लिए दीर्घकालीन सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीएसपी के उप महाप्रबंधक सहीराम जाखड़ ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम आयोजित कर कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। सेल अपने कर्मचारियों को 25 वर्ष सेवा कंप्लीट करने पर उनका सम्मान करते हैं और उसके उनके सम्मान में अपने इस साल कोविड 19 का प्रॉब्लम आने के कारण सभी जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनको देखते हुए अलग अलग विभागों में फंक्शन करके और अपने कर्मचारियों को क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समूह भिलाई स्वास्थ्य सेंटर अपने भिलाई स्टील प्लांट के जितने कर्मचारी हैं उनको गिफ्ट वितरण कर रहा है। गौरतलब है कि आज के दिन सन 1973 में सेल की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष सेल में स्थापना दिवस मनाया जाता है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में स्थित गेज नर्सरी परिसर में बांस की उन्नत प्रजाति के 105 पौधे लगाए गए थे जो अब बड़े हो चुके हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का इकलौता बांस गार्डन अब तैयार हो चुका है। प्रदेश के पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने सन 2002 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान बांस की उन्नत प्रजाति बाल्टी बांस के एक पौधे को गेज नर्सरी में लगाया था। इसके बाद बांस का गार्डन बनाने की कार्य योजना बनाई गई। 19 सालों बाद यह योजना पूरी तरह सफल रही। अब गेज नर्सरी में बांस के 105 पेड़ लहलहा रहे हैं। कोरिया वन मंडल की एसडीओ जेनी ग्रेस कुजूर ने बताया कि उन्नत प्रजाति की बांस का गार्डन बनने के बाद अब यहां फर्नीचर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बर्मा से, भूटान से और नेपाल बॉर्डर से लेकर के आए थे। इसमें लोटा बांस, बाल्टी बांस और पीला बांस मेन प्रजाति था। उसके उपरांत 2018-19 में हमारे द्वारा 100 से ऊपर प्रजातियों का बांसों का रोपण किया गया है जो रिसर्च पर्पस से है। और यहाँ पर हम उसमें हैंडीक्राफ्ट आइटम, फर्नीचर के आइटम बनाने का यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे और इसके अतिरिक्त जो खाने योग्य बांस है उसका भी हम लोग रोपण कर रहे हैं जिससे कि बांस जो फॉरेस्ट के अंदर है, वनों के अंदर है, उसका कम से कम दोहन हो। और ये बांस गार्डन बैकुंठपुर में रहने वाले लोगों के लिए भी एक गर्व का विषय है। बैकुंठपुर के एक निवासी ने बताया कि यहाँ आने वाले लोग बांस गार्डन की इन प्रजातियों को देखने जरूर जाते हैं। देश प्रदेशों से 105 प्रजाति के बांस बैकुंठपुर के रामपुर नर्सरी में लगाए गए जो आज पूर्ण रूप से विकसित है और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन बांसों
की प्रजाति को जो है पूरे, मेरा जो विचार है कि पूरे कोरिया जिले में जो वनमंडल क्षेत्र है, कोरिया वनमंडल क्षेत्र, इसमें इसका विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे कि इन बांसों का, बम्बोस का उपयोग ग्रामवासी कर सकें, और साथ ही ये जो प्रजाति है इसका संरक्षण करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार हो, जिससे कि ये प्रजाति विलुप्त ना हो। यह भी उल्लेखनीय है कि बांस गार्डन में जिन उन्नत प्रजाति के बांसों को लगाया गया है, इन किस्मों के विस्तार के लिए अब गांव में भी पौधे लगाने का प्रयोग शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश के कुछ स्थानों में आज बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। प्रदेश के मौसम में बदलाव के कारण ठंड में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। जशपुर जिले में पारा 2 से 3 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। सुबह के वक्त बर्फ की चादर बिछ जाती है। जशपुर शहर सहित बगीचा, मनोरा, पंडार भाटा क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जशपुर जिला ऐसा जिला है जो सबसे ठंडे जिलों में गिनती में आ रही है, और 5 क्षेत्रों में और भी भयानक स्थिति है, जहां ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो 5 बजे सवेरे उठ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, उन लोग को ठंड बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जशपुर में वैसे स्थिति तो ज़्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं अलाव भी जलाने की व्यवस्था की गई है। 5 क्षेत्रों में थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर स्थिति है, जहाँ तापमान 2-3-1 तक जा रहा है। हमारे बगीचा ब्लॉक में ठंड बहुत ही है, पिछले कई सालों से इस बार ज़्यादा ही ठंड है, और हमारे पाट एरिया में तो ज़्यादा ही ठंडा है, और शासन से ही गुजारिश है कि मतलब अलाव का जगह जगह वो करे गांव में, और बुजुर्गों को कंबल वगैरह बांटा जाए। कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए अब जिला प्रशासन भी सामने आया है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को राहत देने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। वहीं जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े भी बांटे जा रहे हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद, वितरित किए डिजिटल प्रमाण पत्र। बीएसएफ और राज्य पुलिस के समन्वय से कार्य करने के कारण माओवादी गतिविधियों में आई कमी, बीएसएफ के अपर महानिदेशक ने कहा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल आज अपनी स्थापना की वर्षगांठ सेल गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। और जशपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड, लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे अलाव का सहारा। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, कोरोना से बचाव के लिए मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और समय समय पर अपने हाथ जरूर धोते रहें। याद रखिएगा, कोरोना भी गया नहीं है और कोरोना से आप सभी को अपना बचाव सुनिश्चित रूप से करना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।